सिकंदर का अपडेट आया है दोस्तों। बाय द वे, मैं अभी भी वो कल वाले मैच में ही हूँ यार, इसलिए मुझे ना वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया, बस रोस्टिंग चल रही है अभी। खैर चलो, अभी सिकंदर की बात कर लेते हैं। सलमान खान, रश्मिका मंदाना, सिकंदर जो है वो उसका शूटिंग है जो 18 जून से शुरू होने वाला है। ये 2025 को रिलीज़ हो रही है फिल्म, और अच्छी बात है भाई कि ये दोनों वापस आ रहे हैं, साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान। पहली बार सलमान और रश्मि का एक साथ आ रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। अब मैसिव एयर एक्शन सीक्वेंस विल बी फिल्म, ओके, एंड डायरेक्टेड बाय मुर्गादॉस, प्रोड्यूस बाय साजिद नाडियाडवाला, ही 2025। देखो, एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्टर वन ऑफ द बिग रीज़न सलमान खान, सेकेंड नंबर वो भी बोलूँगा मैं, सलमान खान के फैंस, रश्मिका मंदाना डेफिनेटली उसकी भी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। करीना है या नहीं अब वो कंफर्म नहीं दिख रहा है, अभी तो नाम लिखना चाहिए था फिर, अगर वो है तो मुझे डाउट है, होगी तो उसके भी फैन फॉलोअर्स। साजिद नाडियाडवाला का एक अपना एक ये है भाई कि इसकी फिल्मों को लेके मतलब वो फेमस है वैसे प्रोड्यूसर, और डायरेक्टर की तो बात करूँ उतनी कम है, तो स्टोरी वगैरह में तो दम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। और जो सलमान के फैंस हैं ना भाई, इतना है, इस बार डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि नहीं भाई, क्या है कि अब ना डरो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई सलमान ने कुछ फिल्में जो लोगों को उसके स्टारडम पे डाउट हो गया है कि भाई कम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आदमी कोई नहीं है बॉलीवुड में कि जो किसी का भाई किसी का जान जैसी फिल्में निकाल के, उसका 27 करोड़ का संडे गया था यार, जस्ट इमेजिन करो, इस टाइप की भद्दी स्टोरी के बाद अगर कोई 27 करोड़ का संडे दे रहा है तो आपको मानना पड़ेगा यार, 27 करोड़ उस टाइप की फिल्म ने कमाए थे, आप ये समझो उसका सीरियसनेस। बात यह है कि फैंस थोड़े से इवन टाइगर 3 के वक्त क्या हुआ था, अब स्टोरी भाई अगर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को बचाने जाएगा तो यही होगा ना भाई, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसा डाउट किया जा सकता है, मुझे तो डाउट है कि सलमान के अगेंस्ट ही बॉलीवुड का अंदर का गेम चल रहा है, क्योंकि इस टाइप की फिल्में जो उसको मिली है, उसका एक तो उसकी भी गलती है कि बेरोजगारी योजना वाला एंगल, या फिर कुछ मामलों में उसके साथ ही कोई बैक स्टैब कर रहा है, पीछे से खंजीर खुपस रहा है टाइप का, कि ऐसी टाइप की फिल्म है, मतलब कैन यू इमेजिन कि सब लोग वो टाइगर का जो ये आया था वो कितना हाइप क्रिएट किया था, पर बाद में जब वो ट्रेलर वगैरह आया कि वो समझ में आया कि वो एक जब मूवी आई वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर है, अरे नहीं है वो नहीं चलता है, तो ठीक है जो भी हुआ वो टाइगर के साथ जैसी भी गई वो, पर फिर भी भाई ये फिल्म अलग है। और स्टारडम यार अपने आदमी पे यार इतना भी, मतलब जो सलमान फैंस है वो भी डाउट करते हैं कभी कभी, ऐसा मुझे लगता है, थोड़ा बिलीव रखो यार, उसके स्टारडम को कोई नहीं छू सकता है। ठीक है एक बार मूवी आने दो, उसके बाद वापस आप बोलोगे कि सही थे भाई आप। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड या टेक केयर। हाँ मैंने ये सुना है लेकिन कि सिकंदर के बाद किक 2 का फुल चांस है और दबंग 4 का चांस है, एट प्रेजेंट तो यही न्यूज़ है मेरे पास।